हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। ये अपडेट जो है वो आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, और ये अपडेट जो है वो है PhD रेगुलेशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज की डेट में जो प्रिवेलिंग PhD रेगुलेशन अभी है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स का या प्रोसीजर्स कोड फॉर द PhD डिग्री अवार्ड के लिए जो है वो 2016 का रेगुलेशन जो है वो चला हुआ है, जिसमें कि अभी तक दो बार जो है 2018 में जो है वो अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। उस रेगुलेशन को अभी जो है वो और अमेंड किया जा रहा है और एक नया रेगुलेशन लेकर के आ रहे हैं, जो कि होगा PhD मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री PhD 2022 का रेगुलेशन। इस रेगुलेशन का जो ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है UGC की कमेटी के द्वारा, उसको जो है वो UGC की साइट पे डाला गया है। साथ ही एक जो है उसमें नोटिफिकेशन डाली गई है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि एकेडमिशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो भी प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, वो इसके ऊपर अपनी फीडबैक, सुजेशंस और इसको क्या अमेंड और किया जा सकता है उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। एक गूगल फॉर्म का लिंक उसमें दिया है, और मैं आपको बताऊं 18 पेज का ये ड्राफ्ट है, जिसमें बहुत सारी चेंजेस को रिकमेंड किया गया है। पर्सनली बोलूं तो मुझे तो वो सारी चेंजेस बहुत अच्छी लगी और बहुत ही सही है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय हो सकती है, आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं ओपनली। तो इसमें जो चीजें कही गई हैं मेनली, मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा लेकिन हाइलाइट्स मैं आपको दे दूं। इसमें PhD जो एडमिशन का क्राइटेरिया है उसमें बदलाव किया गया है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें बदलाव किया गया है, जो भी एंट्रेंस या नेट के थ्रू एडमिशन होता है उसमें बदलाव किया गया है, और इसमें जो PhD डिग्री अवार्ड करने की टाइम लिमिट है, मैक्सिमम और मिनिमम टाइम लिमिट है, उसमें अवार्ड चेंज किया गया है, और इसके अलावा जो प्रोफेसर एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PhD करवाने के लिए वो चेंज किया गया है, उसमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा कोर्स वर्क की बात की गई है, उसमें बदलाव किया गया है, और रिसर्च एथिक्स के ऊपर भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूं तो ये 18 पेज के ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी रिकमेंड की गई है बदलाव के रूप में, जो नई है और बहुत ही शॉकिंग रहेंगी, ठीक है, स्कॉलर्स के लिए खास तौर से। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप इस ड्राफ्ट को जरूर पढ़ें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही के साथ आप वीडियोस के थ्रू इसको देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर अपना रखा है पक्ष, और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें ड्राफ्ट में जो कही गई है वो बताई है। तो डिटेल में इस वीडियो को मैंने बताया, लगभग 50 मिनट की ये वीडियो होगी, तो इसको ये ना सोचे कि बहुत लंबा है, हम इसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यही हमारे आगे के जो स्टूडेंट PhD अभी कर रहे हैं और जो आगे भविष्य में करेंगे उनकी दिशा और दशा यही रेगुलेशन जो है वो तय करने वाला है, और जल्द ही ये ड्राफ्ट जो है वो रेगुलेशन के रूप में आ जाएगा और ये एप्लीकेबल होगा। तो इसको एक बार जरूर पढ़ें, आपको क्या में लगता है गलत है सही है उसके ऊपर अपनी राय जरूर दें उस गूगल फॉर्म के माध्यम से, ताकि वो उन पॉइंट्स को कंसीडर करे UGC और उसके बेसिस पे अपना जो है वो इसके अमेंडमेंट्स या इसको एडिट जो भी उनको करना है वो उसको प्रोसेस कर सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपनी राय और अपनी क्वेरीज को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो PhD करना चाहते हैं और कर रहे हैं या कर चुके हैं, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिस जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 17 मार्च 2022 की डेट को, और इस नोटिस का टाइटल है इनवाइटिंग सुजेशंस ऑन ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशन 2022। कि जो 2022 का जो रेगुलेशन आने वाला है PhD डिग्री की अवार्ड करने के लिए, यानी कि जो भी अभी तक रेगुलेशन पहले चलते थे उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एक और रेगुलेशन आ रहा है, तो इसके लिए सुजेशंस इनवाइट किए हुए हैं UGC ने, कि कोई भी अपने वैल्यूएबल फीडबैक, कमेंट्स और सुजेशन जो है वो दे सकता है। और इसी के साथ अटैच किया हुआ है वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जिसके ऊपर कमेंट आपको करना है, उसको समझना है, और क्या क्या चेंजेस जो है वो PhD मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री में होने वाले हैं इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए ये सुजेशंस मांगी हुई है UGC ने। और इसके लिए जो लिंक दे रखा है यहाँ पे, ये नीचे ब्लू कलर में एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, इसके थ्रू आपको अपने सुजेशंस, आपको क्या सही लगा, क्या चेंज होना चाहिए, या ये ड्राफ्ट जो है रेगुलेशन का आ रहा है या आया हुआ है और भविष्य में ये ड्राफ्ट जो है रेगुलेशन बन जाएगा तो वो सही है या गलत है, या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए और क्या क्या बदलाव होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है सुजेशन अपने देने हैं।
और ये सुजेशन आपको 31 मार्च 2022 से पहले पहले देने हैं। तो बहरहाल क्या है इस ड्राफ्ट में, वो डिटेल में चर्चा करते हैं। वैसे तो हाइलाइट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही लंबा यानी कि लगभग 18 पेज का ये रेगुलेशन है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो UGC ने प्रपोज किए हुए हैं। और काफ़ी हद तक मुझे इनको पढ़ने के बाद लगा कि ये बहुत अच्छे सुजेशंस और चेंजेस हैं जो होने चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ड्राफ्ट की और देखते हैं क्या नई चीज़ें हैं इस रेगुलेशन का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, भविष्य में ये रेगुलेशन बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद 1x1। देखिए दोस्तों, ये ड्राफ्ट तैयार किया है ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशन 2022। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला ही पैराग्राफ इन्होंने लिखा हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रेगुलेशन रूल है, एक्ट है 1956 का, उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो है जो प्रिवेलिंग हमारा जो चला हुआ है रेगुलेशन PhD का मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ PhD डिग्री का, दैट इज़ रेगुलेशन 2016 का रेगुलेशन चला हुआ है, जिसमें अभी तक दो बार अमेंडमेंट्स हो चुकी है डिफरेंट मैटर्स के ऊपर। एक अमेंडमेंट जो है अगस्त 2018 में हुई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट, और सेकंड अमेंडमेंट जो है वो 2018 में ही अक्टूबर महीने में हुई थी, और अभी भी 2022 चल पड़ा है। और जो एप्लीकेबल एट प्रेजेंट या प्रिवेलिंग रेगुलेशन है PhD के लिए, वो 2016 का रेगुलेशन है। इससे पहले 2009 में रेगुलेशन आया था, मैं आपको बता दूं। और अभी जो प्रपोज किया गया ड्राफ्ट है इसका, वो 2022 का रेगुलेशन का ड्राफ्ट प्रपोज किया है UGC ने। इसमें बहुत सारे चेंजेस बताए गए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या खास है इस रेगुलेशन में, या माफ़ कीजिएगा ड्राफ्ट में, जो आगे भविष्य में रेगुलेशन बन जाएगा। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि इसमें जो इस ड्राफ्ट का, इस रेगुलेशन का नाम होगा, वो होगा मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशन 2022। सारे के सारे जितने भी UGC के अंडर आने वाले इंस्टीट्यूशन हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशनल बॉडीज हैं, जो भी PhD प्रोग्राम करवाती हैं, उनके यहाँ होता है प्रोग्राम PhD का, वो इसमें उसमें ये मान्य होगा ये रेगुलेशन भविष्य में, और गैजेट ऑफ इंडिया में इसका पब्लिकेशन जो होगा जो बताया जाएगा सबको, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है PhD एडमिशन का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या जो है कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे PhD में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पुराने जितने भी ड्राफ्ट रेगुलेशंस थे उनके अकॉर्डिंग UG प्लस PG का इसमें रहता था कि 3 साल का UG और 2 साल का PG होना चाहिए PhD में एडमिशन लेने के लिए, और PhD में फिर कोर्स वर्क करना पड़ता था। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MPhil किया होता था उनको कोर्स वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो डायरेक्टली एडमिटेड होते थे, उनका कोर्स वर्क एग्जेम्प्टेड होता था। लेकिन जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बताया गया है कि अब जो UG डिग्री होगी वो 4 ईयर की डिग्री हो सकती है, ठीक है, जिसकी 4 ईयर की डिग्री होगी UG की, उसका 1 साल अगर उसने 3 साल की डिग्री UGC के प्लस उसमें 1 साल अगर रिसर्च पढ़ा है, दैट इज़ कॉल्ड 4 ईयर डिग्री ऑफ UG, तो उस आदमी उस स्टूडेंट के लिए जो PG की डिग्री होगी आगे वो 1 साल की होगी, उसको 2 साल की PG नहीं करनी पड़ेगी। तो जो पहला ही इसमें पैराग्राफ है 2.1.1, इसमें कहा गया है कि A1 year 2 semester मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द UGC 10-point स्केल और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल व्हेनेवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्रेडिट बाई एन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी विच इज अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड बाई एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ लॉ इन इट्स होम कंट्री और एनी अदर स्टेचुटरी अथॉरिटी इन दैट कंट्री टू असेस एक्रेडिट और एश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि अगर तो 1 साल की PG डिग्री है या 2 semester PG डिग्री के हैं और जिसने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री की हुई है, उस स्टूडेंट के अगर 55% मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल होगा PhD में एडमिशन लेने के लिए। दूसरा क्लाउज क्या बोलता है 2.1.2, ए 2 year 4 semester मास्टर डिग्री प्रोग्राम विद द सेम कंडीशन इन सब क्लाउज 2.1.1, कि अगर किसी की 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है या 4 semester की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो वो भी एलिजिबल होगा PhD में एडमिशन लेने के लिए।
ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री विद रिसर्च शुड हैव मिनिमम CGPA ऑफ 7.5 आउट ऑफ 10। कि ऐसा स्टूडेंट जिसके ग्रेजुएशन में 4 साल की ग्रेजुएशन है उसकी, ठीक है, या 8 सेमेस्टर की ग्रेजुएशन है, उसके मिनिमम 7.5 जो है वो CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10। दूसरी बात क्या कही गई है 2.2 क्लॉज में, कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द एमफिल कोर्स वर्क विद एटलीस्ट 55 मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी, अब पूरी कहानी वही लिखी हुई है, शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमफिल कर रखी है 55% मार्क्स के साथ, वो भी PhD में एडमिशन लेने के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। ए पर्सन हुज एमफिल डिजर्टेशन, ये नया चीज है एक जो नया बदलाव किया गया है, ठीक है, बाकी तो एडमिशन के लिए UG और PG की कंडीशन, ये भी नया चेंज इसमें लाया जा रहा है, ठीक है, कि 4 साल की ग्रेजुएशन वाला भी इलिजिबल होगा प्लस उसकी 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 4 साल की ग्रेजुएशन में उसने 1 साल रिसर्च पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका एमफिल का डिजर्टेशन सबमिट हो चुका है, ठीक है, और अभी उनको डिग्री अवार्ड नहीं हुई है, ठीक है, या उनका वाइवा अभी बचता है, वो भी प्रोविजनल एडमिशन की कंडीशन पे इलिजिबल होंगे, उनको भी जो है वो एडमिशन दिया जा सकता है। दूसरी बात क्या कही गई है कि 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने, पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो SC ST OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके 50% मार्क्स यानी कि 5% का रिलैक्सेशन को दिया जा रहा है इसमें, ठीक है जी। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें एक और बात कही गई है कि जो CGPA स्कोर है, जैसे ऊपर हमने बात की ग्रेजुएशन का 7.5 होना चाहिए आउट ऑफ 10, तो इसी तरह से SC ST OBC नॉन क्रीमी डिफरेंटली एबल और EWS के कैंडिडेट को 0.5 का जो रिलैक्सेशन स्कोर में रहेगा, यानी कि 7 अगर उनका CGPA होगा तो दे कैन बी एडमिटेड और विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। अब बात आती है ड्यूरेशन की, यहां भी थोड़ा सा चेंज जो है वो इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग प्रपोज किया गया है ड्यूरेशन का। PhD प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क। देखिए क्या होता है कि कोर्स वर्क कहीं जगह पे जो है वो 6 महीने का होता है, कई जगह पे जो है वो 1 साल का होता है, और अभी तक जो मिनिमम टेन्योर था PhD का वो 3 साल होना चाहिए, 3 साल से पहले आप थीसिस सबमिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो प्रपोज किया जा रहा है ड्राफ्ट, उसमें बोला गया है कि एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क आपका जो 2 ईयर मिनिमम रहेगा, ठीक है, 3 साल पहले इंक्लूडिंग कोर्स वर्क रहता था, यानी कि 36 महीने का प्रोग्राम रहता था पहले मिनिमम टेन्योर, जिसमें अगर 1 साल का कोर्स वर्क है तो भी मान्य है 2 साल आगे के, और अगर 6 महीने का है तो आगे के 2.5 साल मान्य है, मतलब 3 साल से पहले आप सबमिशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्लाउज, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क उन्होंने कहा है, तो उसके बाद 2 साल के बाद वो अपनी थीसिस सबमिट कर सकता है अगर वो अच्छे से रिसर्च वर्क करता है तो। एंड इसमें मैक्सिमम जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 6 महीने का बताया गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो मैक्सिमम है वो 6 ईयर का बताया गया, और आज की डेट में प्रिवेलिंग कंडीशन 6 साल की ही है मैक्सिमम की, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन का प्रोसीजर आता है। एक्सटेंशन वाले क्लाउज में थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज प्रपोज किया है इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, एक्सटेंशन बियॉन्ड द अबव लिमिट विल बी गवर्न्ड बाय द रेलिवेंट क्लाउज एज स्टिपुलेटेड इन द स्टैट्यूट ऑर्डिनेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट कंसर्न बट नॉट बियॉन्ड मोर देन 2 ईयर। कि देखिए 2 साल से ज्यादा का आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है, ये कंडीशन है। पहले लोग ज्यादा एक्सटेंशन लेते थे, उनका PhD 6 साल की जगह 8, 9, 10, 11 साल तक एक्सटेंड होता था, 11 साल के बाद कैंसिलेशन या रीएडमिशन का प्रोसीजर होता था, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट एक्सटेंशन की भी 2 साल कर दी गई है कि 2 साल से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगा। और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और ऐसे जो पर्सन विद डिसेबल्ड हैं उनके लिए जो PhD की बात की गई है, वुमेन कैंडिडेट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी मोर देन 40% डिसेबिलिटी मे बी अलाउड ए रिलैक्सेशन ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द PhD फॉर अ PhD इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है उसमें 2 साल ज़्यादा की बात की गई है, यानी कि 8 साल में वो अपनी PhD कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 8 साल के बाद उनको जो है वो 2 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है, ये बात कही गई है। और जो मैटरनिटी लीव की यहाँ पे बात की गई है, चाइल्ड केयर लीव की बात की गई है, पहले वुमेन्स के लिए जो है वो चाइल्ड केयर लीव या मैटरनिटी लीव जो है
वो 1 साल का होता था और जिसको 5 साल के टेन्योर में वो 2 बार ले सकते थे, ठीक है। लेकिन जो अभी पीछे अमेंडमेंट हुआ था इस 2016 वाले रेगुलेशन में, भी अभी लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट आया था 2021 में, और उसी को आगे इन्होंने फर्दर प्रोसीड किया है कि जो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 240 दिन की जो है वो मैटरनिटी लीव कर दी गई थी, और उसको वुमेन कैंडिडेट जो वो 5 साल के टेन्योर में, 6 साल के टेन्योर में एक ही बार जो है वो ले सकती थी, ले सकते हैं अब। पहले 2 बार का चांस था कि 365 दिन की होगी और 365 में जितने मर्जी दिन वो होते हैं आउट ऑफ 365 जो है वो 2 बार ले सकते हैं लीव, लेकिन इसमें 240 दिन की अब कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है और ओनली 1 टाइम कंसिडरेबल होगी, 2 बार नहीं मिलेगी पूरे टेन्योर में। After that, going for the next clause 3.4, for student exchange provided that they contribute significantly to the completion of the thesis, leave or absence may be granted from a second year onward on the following basis. कि जो बाकी student है, अगर किसी को leave चाहिए PhD के दौरान, तो वो leave जो है, वो second year onward मिलेगी, और उसमें भी कुछ conditions हैं, कि अगर मान लीजिए student को 1 महीने, less than 1 month की leave चाहिए, तो उसका सुपरवाइजर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो लीव ग्रांट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टूडेंट को मोर देन 1 month की लीव चाहिए, 2 महीने 3 महीने, तो उसकी लीव डिपार्टमेंटल हेड और आपका सुपरवाइजर रिकमेंड कर सकता है, लेकिन फाइनल लीव जो है वो सैंक्शन किया जाएगा RAC द्वारा या RDC द्वारा, जिसको रिसर्च एडवाइजरी कमेटी या रिसर्च डिग्री कमेटी भी बोला जाता है, जो भी उस इंस्टीट्यूशन की होगी। विदाउट रिसर्च डिग्री कमेटी उसको लीव नहीं मिल पाएगा 1 महीने से ज्यादा। और इसके बाद बात कही गई है एक्सचेंज प्रोग्राम प्रपोज्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी फॉर द वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और अब्रोड, और वो भी उन कंडीशंस पे अगर उस स्टूडेंट को रिसर्च पर्पज के लिए बाहर जाना है, तो चाहे वो विद इन कंट्री होगा या आउटसाइड द कंट्री होगा। अब बात आती है प्रोसीजर फॉर एडमिशन की, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव जो है वो किया जा रहा है इस ड्राफ्ट के द्वारा, जो कि बहुत ही कंसिडरेबल है मेरे हिसाब से, बाकी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। क्या बदलाव बोलने की बात की गई है, ऑल यूनिवर्सिटी शैल एडमिट PhD स्टूडेंट्स थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट और एन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी। कि जो भी PhD में एडमिशन होगा वो नेट बेस पे होगा, या नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जो भी NTA कंडक्ट करवाएगा फॉर द PhD पर्पज ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज, इसमें ये भी प्रपोज किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, विदाउट एंट्रेंस किसी की भी एडमिशन PhD में नहीं होगी, पॉइंट नंबर 1। उसके आगे उसमें भी कंडीशंस है, मैं आपको बता दूं। और इसमें एक और बात कही गई है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई एंट्रेंस टेस्ट जो कॉमनली एंट्रेंस टेस्ट है, वो पूरा एक बॉडी जैसे NTA बनाया गया, वो कंडक्ट करवाता है पूरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑल ओवर द कंट्री, तो वो मान्य होगा, लेकिन वो चीज़ अभी एप्लीकेबल होगी अगर इस चीज़ की नोटिफिकेशन आ गई, तो वो मान्य होगा फिर, ठीक है। अभी तक नेट या एंट्रेंस टेस्ट या भविष्य में ऐसा कोई टेस्ट आएगा वो कंसिडरेबल होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज अंडर देम विच आर अलाउड टू कंडक्ट PhD प्रोग्राम शैल, जो भी यूनिवर्सिटीज़ PhD करवा सकती हैं उनके लिए क्या बोला गया है, डिसाइड ऑन एन एनुअल बेसिस थ्रू देयर एकेडमिक बॉडीज अ प्री डिटरमाइंड एंड मैनेजेबल नंबर ऑफ PhD स्कॉलर टू बी एडमिटेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसर्च सुपरवाइजर एंड अदर एकेडमीज रिसर्च एंड फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कीपिंग इन माइंड द नॉर्म रिगार्डिंग द स्कॉलर टीचर रेशो एज इंडिकेटेड इन द सब क्लॉज 5.4। कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनमें रिसर्च फैसिलिटीज हैं वो रिसर्च करवा सकती हैं, लेबोरेटरीज हैं वो रिसर्च करवा सकती हैं, लेकिन उनके पास रिसर्च सुपरवाइजर अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद और बात कही गई है, नोटिफाई वेल इन एडवांस ऑन द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट एंड थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन एटलीस्ट 2 नेशनल न्यूज़पेपर एट विच द लेवल एटलीस्ट 1 शैल बी द रीजनल लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन सब्जेक्ट डिसिप्लिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल सीट्स क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एंड द प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड एग्जामिनेशन सेंटर वेयर एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड। देखिए ये पहले भी होता था कि जो आपकी PhD की एडवर्टाइजमेंट होगी, जिसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं किस डिसिप्लिन में, वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ेगी, और साथ ही 2 न्यूज़पेपर में आपको देनी पड़ेगी, जिसमें से 1 रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए और दूसरा न्यूज़पेपर जो है वो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी 4.2.3 बोलता है, जो भी आपकी स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी होगी उसको फॉलो आपको करना
पड़ेगा। इसके बाद बात क्या कही गई है, द एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइंस नॉर्म्स इन दिस रिकार्ड इशूड बाय द यूजीसी, कि जो यूजीसी की रूल्स है, रेगुलेशन है पीएचडी एडमिशन के, वो करना पड़ेंगे फॉलो। और सबसे बड़ी बात जो अब कही गई है एडमिशन के क्राइटेरिया में ही, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो ये चेंज है। क्या चेंज है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एज मेंशन्ड इन सब क्लॉज 1.2 शैल एडमिट कैंडिडेट बाय टू स्टेज प्रोसेस थ्रू द नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट और इक्विवेलेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। देखो टू स्टेज प्रोसेस रहेगा अब एडमिशन का, पहले होता था या तो डायरेक्ट एडमिशन कर दो या उनका एंट्रेंस कंडक्ट कराओ उसके बाद टेस्ट कर दो, एडमिशन कर दो, ये दोनों वन स्टेज प्रोसेस था। टू स्टेज प्रोसेस में क्या कहा गया है, 60% ऑफ टोटल वेकेंट सीट ऑफ द एकेडमिक ईयर शैल बी फिल्ड फ्रॉम नेट JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट एंड द रिमेनिंग 40% थ्रू द यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑन बेसिस ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन, कि जितनी भी टोटल सीट उस साल की वेकेंट होंगी उसकी 60% सीट आपको नेट या JRF से भरनी है। पहली बात तो ये है, ठीक है, यानी कि 10 सीटें अगर खाली हैं तो 6 सीटें आपको नेट या JRF के स्टूडेंट्स के थ्रू भरनी पड़ेंगी और 40 सीटें जो है आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भरोगे। ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी नेट JRF से भर दोगे या सारी की सारी एंट्रेंस से भर दोगे, नो, आपको नेट और JRF के स्टूडेंट को 60% सीट्स फुलफिल करनी पड़ेगी उनसे, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ एन अनफिल्ड वैकेंसी इन आइदर ऑफ द कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम अदर कैटेगरी कैन बी रिक्वेस्टेड टू फिल अप द वैकेंट स्लॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। अगर मान लीजिए दोनों ही केसेस में सीटें बच जाती है खाली तो फिर वो ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे सीटें भरी जाएगी, लेकिन उसके लिए 4.4.2 क्लाउज जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्लाउज ये बोलता है, इस क्लाउज में दो तीन चीजें कही गई है 4.2 में और 4.4.3 में। क्या कहा गया है कि जो एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा उसमें आपको एक एंट्रेंस कंडक्ट करना पड़ेगा जो भी कंपलसरी है, अब पहले विदाउट एंट्रेंस हो जाती थी अब नहीं होगी, और उसमें आपको रिसर्च एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और सब्जेक्ट का कंटेंट डालना पड़ेगा, नॉट नेसेसरली कि आप सब्जेक्ट का ही कंटेंट डालें। दूसरा कि एंट्रेंस का जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहता है वो 50% रहता है जनरल कैटेगरी के लिए और 45% रहता है SC, ST, OBC, EWS इन कैटेगरीज के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, ये पहले भी होता था नो डाउट, ठीक है। इसके बाद आगे का 4.4.3 इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है कि एन इंटरव्यू बाय बोस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज कंसर्न्ड विद इन द वेयर इन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया थ्रू अ प्रेजेंटेशन बिफोर अ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, कि भैया आपको एक इंटरव्यू या बाइबा वॉइस करवाना पड़ेगा जिन भी बच्चों की आप एडमिशन करोगे और उसमें डिपार्टमेंटल लोग बैठेंगे और उसमें स्टूडेंट अपनी रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेगा। पहले किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता था, कहीं पे नहीं किया जाता, लेकिन अब कंपलसरी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शुड बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू बाइबा वॉइस फॉर JRF वेयर एज द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एंट्रेंस टेस्ट The selection shall be evaluated on the ratio 70% written, 30% interview. ठीक है, merit list for both shall be separately published. कि देखो जो नेट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन में आएंगे उनका एंट्रेंस नहीं होगा, पहली बात तो ये है। नेट वालों को डायरेक्ट एडमिशन है लेकिन नेट वालों का भी बाइबा होगा और प्रेजेंटेशन होगी रिसर्च इंटरेस्ट की, ठीक है। और जो एंट्रेंस के थ्रू आएगी उनकी 70% वेटेज एंट्रेंस को दी जाएगी, 30% जो है इंटरव्यू और बाइबा वॉइस को दी जाएगी, ठीक है। और दोनों की मेरिट अलग लगानी पड़ेगी, एंट्रेंस की अलग से और बाइबा वॉइस की अलग से, फिर कंबाइंड मेरिट के हिसाब से जो है आप एडमिशन करेंगे। द इंटरव्यू 4.5 क्या बोलता है, द इंटरव्यू बाइबा वॉइस शैल ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, इंटरव्यू में क्या देखा जाएगा, किन चीजों के ऊपर वेटेज दी जाएगी, द कैंडिडेट पोजेस द कॉम्पिटेंसी फॉर प्रपोज रिसर्च, कि जो रिसर्च बच्चा प्रपोज कर रहा है कि मैं ये करूंगा क्या उसकी काबिलियत है उतना करने की कि नहीं। दूसरा, द रिसर्च वर्क कैन बी सुइटेबली अंडरटेकन एट द इंस्टीट्यूशन कॉलेज, कि वहां पे जहां पे वो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है कि वहां पे वो रिसर्च करवाई जा सकती है कि नहीं, उसका एमिनेंट पर्सनैलिटी जो एक्सपर्ट होगा वो अवेलेबल है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं, और तीसरा जो रिसर्च टॉपिक है वो रेलिवेंट है कि नहीं है।
डूएबल है कि नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है उसकी कि नहीं है। और क्या कहा गया है, द यूनिवर्सिटी कॉलेज शैल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर, ये पहले भी कहा है यूजीसी ने, होता भी था बहुत सारी जगह पे, कई जगह नहीं होता है, कि जितने भी आपके रजिस्टर्ड एफिलिएटेड रिसर्च स्कॉलर हैं उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो यूजीसी को अपनी साइट पे डालनी, सॉरी यूनिवर्सिटी को अपनी साइट पे डालनी पड़ेगी, जिसमें स्कॉलर का नाम, सुपरवाइजर का नाम, टॉपिक का नाम, डेट ऑफ एनरोलमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा जो है वो लिखना पड़ता है। वो सब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मेंटेन करती हैं, बहुत सारी नहीं करती हैं। नाउ थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च, ठीक है, कौन कौन से एरियाज को वेटेज दी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो साउंड टॉपिक्स होंगे, जिनका डुएबिलिटी होगी, जो सोशली रेलिवेंट होंगे, नीड बेस्ड होंगे, जिनकी कुछ इंपॉर्टेंस होंगी, उन टॉपिक्स को जो है वो रिकमेंड किया जाए या उनको जो है एक्सेप्ट किया जाए। अलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो सुपरवाइजर सिलेक्शन होगा, हु विल बी द एलिजिबल टू बिकम अ सुपरवाइजर फॉर रिसर्च डिग्री कमेटी, सॉरी पीएचडी रिसर्च डिग्री, कौन सुपरवाइजर हो सकता है, इसमें भी बदलाव किया गया है। सबसे पहले बात की गई है, देखिए यहाँ पे, एनी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज विद एटलीस्ट 5 रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल आफ्टर ऑब्टेनिंग अ पीएचडी एंड एनी रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी पब्लिक कॉलेज विद एटलीस्ट ऑफ 5 ईयर टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस with a PhD degrees and at least 3 research publication in a peer review or referred journal may be recognized as a research supervisor। कि अगर मान लीजिए कोई research, कोई professor को supervisor बनाया जा रहा है या associate professor को supervisor बनाया जा रहा है, तो वो regular होना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, professor और associate professor के पास PhD होनी चाहिए और PhD के बाद 5 रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड या रेफर्ड जर्नल में उनके होने चाहिए PhD के बाद, PhD के दौरान के कंसीडरेबल नहीं है। और एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम 5 ईयर का रेगुलर टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में PhD डिग्री होनी चाहिए और 3 रिसर्च पब्लिकेशन उसके पीयर रिव्यूड या रेफर्ड जर्नल में होने चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ जर्नल्स लिमिटेड है या रेफर्ड जर्नल्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में एक रिटन कंसेंट जो है वो देनी पड़ेगी कि इस रीजन की वजह से रिसर्च पब्लिकेशंस जो है वो कम होंगे, कम हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहाँ पे किया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप किसी दूसरे टाइड इंस्टीट्यूशन, क्लस्टर इंस्टीट्यूशन, जो कि स्कॉलर एक्सचेंज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, टाई अप यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट बताया गया है, अफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप एक को सुपरवाइजर जो है वो हायर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द अदर डिपार्टमेंट, सिमिलर डिपार्टमेंट या सिस्टर इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, द अलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर फॉर अ सिलेक्टेड रिसर्च स्कॉलर शैल बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंटल कंसर्न डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द स्कॉलर पर सुपरवाइजर आर अवेलेबल स्पेशलाइजेशन अमंग द सुपरवाइजर एंड रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ द स्कॉलर एज इंडिकेटेड बाय देम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड बाय द वॉइस। कि इंटरव्यू के दौरान जो कैंडिडेट ने रिसर्च इंटरेस्ट बताया था, एक्सपर्टीज बताई थी, एरिया ऑफ डिसिप्लिन इंटरेस्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग मैच करके एक सुपरवाइजर उनको अलोकेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, मर्जी का काम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात कही गई है, इन केस ऑफ टॉपिक विच आर इंटरडिसिप्लिनरी एंड वेयर इन द डिपार्टमेंट कंसर्न फील दैट द एक्सपर्टाइज इन द डिपार्टमेंट हैज टू बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर मान लीजिए रिसर्च टॉपिक इंटरडिसिप्लिनरी है और डिपार्टमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ पे जो है वो इस चीज़ का एक एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टर डिपार्टमेंट से या किसी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जिससे रिलेटेड वो टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में, उसको को सुपरवाइजर हायर किया जा सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन उसके पास वर्कलोड कितना है। और दूसरी बात, अब यहाँ वर्कलोड क्या आती है 6.4 क्लॉज में, कि एक प्रोफेसर के पास 8 स्कॉलर और एक एसोसिएट के पास 6 स्कॉलर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पास 4 पीएचडी स्कॉलर ही एक टाइम पे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल का क्राइटेरिया भी इसमें था, लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है क्योंकि अब एमफिल भी खत्म हो रही है, तो इसलिए इसमें एमफिल के स्कॉलर्स का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा वो स्कॉलर जो है, वो प्रोफेसर जो है, वो किसी एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के साथ जो है काम कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर को जो है वो गाइडेंस दे सकते हैं, जो टाई अप यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो इस लिमिट से बियॉन्ड नहीं होने चाहिए।
आगे बात करते हैं अगर हम कि वुमेन स्कॉलर्स की यहाँ पे बात की है कि अगर मान लीजिए वुमेन स्कॉलर की शादी होती है, मूवमेंट होती है, तो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी चली जाएगी या सॉरी एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव होगी, तो वो वहाँ पे नियर बाय इंस्टीट्यूशन में टाई अप इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो रिसर्च गाइडेंस के लिए एक को सुपरवाइजर ले सकती हैं। लेकिन उसमें अगर मान लीजिए इस केस में वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को और जो उसका पुराना सुपरवाइजर है उसको अपनी गाइडेंस के लिए ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद बात की गई है, एक और यहाँ पे नया बदलाव आया है कि ऐसे प्रोफेसर जो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, 60 साल या 58 ईयर, मुझे नहीं क्लियर है कि कितना डेट है रिटायरमेंट का, कितना ईयर रिटायरमेंट के है, तो वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर ऐसे प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी रीअपॉइंट करती है एज ए डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर और एमेरिटस प्रोफेसर और ऑनररी बेसिस पे, तो वो भी PhD करवा सकते हैं अप टू द एज लिमिट ऑफ द 70 ईयर, कि 70 साल तक की उम्र तक वो दोबारा से PhD करवा सकते हैं। लेकिन इसमें उनका जो रिसर्च क्राइटेरिया, उनका जो रिसर्च रिकॉर्ड जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। सुपरवाइजर की ऑब्लिगेशंस क्या रहेंगी, सुपरवाइजर्स की ऑब्लिगेशन पे यहाँ ये बताया गया है कि एक सुपरवाइजर को अपने स्टूडेंट को टाइम टू टाइम गाइड करना है और उसको बहुत सारी चीज़ें बतानी है जो भी एकेडमिक रिसर्च और पेडागोजी से रिलेटेड होती हैं। और एकेडमिक इसमें सुपरवाइजर और स्टूडेंट की मीटिंग के ऊपर बात की गई कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक उनको मिलना पड़ेगा, ठीक है, मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ समराइज किया हुआ है उन्होंने कि क्या क्या बोला गया है कि रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द PhD स्कॉलर एंड डिस्कस टू सी इफ द आइडिया आर गुड फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट, कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो सही है, नहीं है, अच्छा है, आइडिया ठीक है या किसी मॉडिफिकेशन की जा सकती है। गाइडिंग द स्कॉलर अबाउट द चॉइस ऑफ रेलिवेंट कोर्सेज एंड कॉन्फ्रेंसिस रिलेटेड टू द फील्ड, कि कहीं पे कॉन्फ्रेंस आ रही है, वर्कशॉप आ रही है, तो आप उसमें विजिट करो, पार्टिसिपेट करो, इस तरह की गाइडेंस उसको देनी है। एडवाइजिंग द स्कॉलर फॉर कॉन्टैक्टिंग द रेलिवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन रिसर्च एरिया, कि उस रिसर्च एरिया से संबंधित अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, ठीक है, इस तरह की विजिट आपको करनी है, वहाँ से टाई अप करो, मिलो, इस तरह की चीज़ें बतानी है। असिस्टिंग द स्कॉलर इन ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन एलिमेंट्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, उस कोर्स जिसमें वो PhD कर रहा है या जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में उसको नॉलेज देनी है, ठीक है। रेगुलर रिव्यू और फीडबैक देना है उसके PhD के प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। और फाइनल स्टेटमेंट, प्रेपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट फॉर सुपरवाइजिंग समरी द ओवरऑल PhD प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ PhD थीसिस सबमिशन, उसको ओवरऑल समरी देनी है कि किस किस एरिया में आपने क्या क्या काम किया, क्या आपका क्या मैंने आपको असेस किया, ठीक है। और उसकी जो है वाइवा जब होगा और PhD उसकी असेसमेंट होगी उस टाइम पे उसको एक्टिवली डिफेंड करना है, ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कोर्स वर्क की, कोर्स वर्क में भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। कोर्स वर्क में क्या बदलाव को प्रपोज किया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ PhD प्रोग्राम शुड बी 12 क्रेडिट होने चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम 16 क्रेडिट का कोर्स वर्क आपका होना चाहिए, ठीक है। और कोर्स वर्क कंपलसरी है, 7.2 में बोला गया है कि ये जरूरी है, मैंडेटरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स होगा और एक जो है आपका डिसिप्लिन का कोर्स इसमें रहेगा। दूसरी क्या बात कही गई है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले ही मतलब जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करके आए हैं उनको कम से कम 8 क्रेडिट जो है वो रिसर्च डिग्री के जो सब्जेक्ट होगा रिसर्च मेथडोलॉजी का उसमें लेने पड़ेंगे, 6 से 8 क्रेडिट, ठीक है। और क्या बात कही गई है, ऑल PhD एंट्रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन शैल रिक्वायर टू टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्स इन टीचिंग एजुकेशन पेडागोजी, ये दूसरा जो आपका डिसिप्लिन रहेगा उसके कोर्स की बात की गई है। और सबसे खास बात इसमें एक और कही गई है जो मैं बीच में पढ़ूंगा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन बीच में लिखी हुई है, ऑल फ्रेश PhD एंट्रेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्स इन टीचिंग एजुकेशन पेडागोजी राइटिंग रिलेटेड टू देयर चोजन PhD सब्जेक्ट ड्यूरिंग देयर डॉक्टरल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि एक कोर्स उनको ऐसा लेना पड़ेगा जो उनके डिसिप्लिन से संबंधित हो। और दूसरी क्या बात कही गई भाई, PhD स्कॉलर मे आल्सो हैव 3 to 4 hours पर वीक ऑफ एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस गैदर्ड थ्रू टीचिंग असिस्टेंटशिप और अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन दैट आर नॉट रिपीटेटिव, कि PhD स्कॉलर को हफ्ते में 3 से 4 घंटे इंस्टीट्यूशन में अपनी सेवाएं टीचिंग के रूप में देनी पड़ेंगी। पहले ये
2 आवर्स का होता था, हफ्ते में 2 घंटे आपको पढ़ाना है, अब 3 से 4 घंटे कर दिया गया है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। इसके अलावा उनको बुक्स, ठीक है, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, इसके ऊपर भी काम करना है, ठीक है। इसके बाद क्या कही गई है बात, ऑल द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर PhD कोर्स वर्क शैल कन्फर्म विद द क्रेडिट आवर इंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट एंड शैल स्पेसिफाई द कंटेंट इंस्ट्रक्शनल एंड असेसमेंट मेथड, दे शैल बी ड्यूली अप्रूव्ड बाई द ऑथराइज्ड अकेडमिक बॉडीज। कि जो भी वो स्टूडेंट काम करेगा, कोर्स वर्क करेगा, इनफैक्ट इसमें बीच में ये बात भी कही गई है कि आप जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, जो भी कंटेंट तैयार करेंगे, जो भी लेक्चर डिलीवर करेंगे, उसका कंटेंट जो होगा वो सारा आपको जो है डिस्क्लोज करना है सुपरवाइजर को, और जो अकेडमिक कमेटी होगी अप्रूव करेगी तभी आप वो चीज़ करेंगे। मतलब आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस जो है वो लेनी है। इसके बाद बात की गई है यहाँ पे MPhil की, ठीक है। कैंडिडेट ऑलरेडी होल्डिंग MPhil डिग्री एंड एडमिटेड टू द PhD प्रोग्राम और दो जो हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कोर्स वर्क इन MPhil हैव बीन परमिटेड टू प्रोसीड टू PhD इन एन इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है, एंड मे बी एग्जेम्प्टेड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द PhD कोर्स वर्क। कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MPhil कर रखी है या MPhil में एडमिशन हुआ है और MPhil जिनका MPhil हो चुकी है वो PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, जिनका MPhil का कोर्स वर्क हो चुका है वो भी PhD में प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि उनको PhD कोर्स वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे, आगे चलते हैं फाइनल ग्रेड्स की। देखो ग्रेड्स 7.7 क्लॉज में बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा बदलाव है। ग्रेड्स इन द कोर्स वर्क इंक्लूडिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स शैल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर कंबाइन असेसमेंट ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी एंड डिपार्टमेंट। कि जो भैया रिजल्ट आएगा उसकी असेसमेंट पहले आपका डिपार्टमेंट और रिसर्च डिग्री कमेटी करेगी, तभी जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और दूसरा बदलाव क्या किया गया है 7.8 क्लॉज में, कि PhD स्कॉलर हैज टू ऑब्टेन अ मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन UGC 10 पॉइंट स्केल इन द कोर्स वर्क इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू कंटिन्यू इन द प्रोग्राम एंड सबमिट द थीसिस। कि अगर मान लीजिए PhD कंटिन्यू करनी है तो कोर्स वर्क में आपके 55% मार्क्स आने चाहिए। पहले 50% का क्राइटेरिया होता था कि अब 55% मार्क्स कम से कम आने चाहिए, नहीं आए 55% तो बैक, ठीक है, पास करो उसके बाद आगे बढ़ो। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी या रिसर्च डिग्री कमेटी के क्या फंक्शन रहेंगे, सबसे पहला टू रिव्यू रिसर्च प्रपोजल एंड फाइनलाइज द टॉपिक, ये सबसे पहला काम रहता है। टू गाइड द रिसर्च स्कॉलर टू डेवलप द स्टडी डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, ये दूसरा काम रहेगा। पीरियोडिक रिव्यू एंड असिस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द रिसर्च वर्क ऑफ द स्कॉलर, उसको टाइम टू टाइम चेक करना है उसकी प्रोग्रेस को, काम को, और उसको जो है वो असिस्ट करना है। और दूसरी बात क्या कही गई है, ये रिसर्च स्कॉलर शैल अपीयर बिफोर द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी वंस इन 6 मंथ टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ हिज हर वर्क फॉर इवेल्युएशन एंड फर्दर गाइडेंस। कि भैया 6 महीने में एक बार उस कैंडिडेट को रिसर्च एडवाइजरी कमेटी RDC के सामने अपने कोर्स की, अपने प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस की जो है वो रिपोर्ट देनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, और वहाँ पे जो है उसके साथ 6 मंथ प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उसको सबमिट करवानी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एडवाइजरी कमेटी उसको रिकमेंड करेगी कि आपको क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। और साथ में क्या कहा गया है, इन केस द प्रोग्रेस ऑफ द रिसर्च स्कॉलर इज अनसेटिस्फैक्टरी द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर द सेम एंड सुजेस्ट कुरेक्टिव मेजर। कि क्यों प्रोग्रेस कम रही या क्यों ये काम नहीं हुआ उसके लिए कुरेक्टिव मेजर जो है वो देने हैं। इफ द रिसर्च स्कॉलर फेल टू इम्प्लीमेंट दीज कुरेक्टिव मेजर द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में रिकमेंड द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्रोग्राम। कि अगर मान लीजिए जो भी 6 महीने की असेसमेंट होती है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की और डिपार्टमेंट के सामने, उसमें जो चेंजेस बताए गए और उसके जो चीज़ें बताई गई कैंडिडेट को करने के वो नहीं करता है कैंडिडेट, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा और उसकी डिग्री को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इवेल्युएशन एंड असेसमेंट मेथड, मिनिमम स्टैंडर्ड क्रेडिट फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री, क्या क्या रहेंगे मिनिमम स्टैंडर्ड PhD डिग्री अवार्ड करने के लिए। अपॉन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क एंड ऑब्टेनिंग द मार्क्स ग्रेड प्रिस्क्राइब्ड सब क्लाउज 7.8 द PhD स्कॉलर शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक रिसर्च वर्क एंड प्रोड्यूस अ ड्राफ्ट डिसर्टेशन थीसिस विद इन अ रीजनेबल टाइम एज स्टिपुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड बेस्ड ऑन दीज रेगुलेशन। कोर्स वर्क के बाद कैंडिडेट को रिसर्च कंडक्ट करनी है और एक ड्राफ्ट थीसिस तैयार करना है,
विद इन द टाइम पीरियड जो भी उसको दिया गया है। बिफोर द सबमिशन ऑफ द थीसिस द स्कॉलर शैल मेक अ प्रेजेंटेशन इन द डिपार्टमेंट बिफोर द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंसर्न विच शैल ऑल्सो बी ओपन टू ऑल फैकल्टी मेंबर एंड अदर रिसर्च स्कॉलर। कि जब ड्राफ्ट थीसिस तैयार हो जाएगा उसके बाद एक प्री पीएचडी वाइबा होगा जिसमें प्रेजेंटेशन होगी रिसर्च वर्क की और वो ओपन टू ऑल होगा। ओपन टू ऑल में डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, रिसर्च डिग्री कमेटी कंपलसरी होगी उसमें, और साथ में जो है वो पीएचडी स्कॉलर्स होंगे जो अपनी सुजेशन और फीडबैक दे सकते हैं उस ड्राफ्ट को अमेंडमेंट करने के लिए। If the desirable, it is desirable that the research work of the PhD scholar is published in a peer-reviewed or referred journal and presented in a conference. कि किसी भी conference में उस candidate ने अपने research work को present किया हुआ हो और दूसरा कम से कम peer-reviewed या referred journal में उसका publication होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है बात की गई है कि the थीसिस शैल बी सबमिटेड टुगेदर विद एन ओरिजिनल रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटी प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कि पीएचडी थीसिस की सबमिशन तभी होगी जब उसके साथ एक एंटी प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर के द्वारा प्लैगरिज्म चेक करने की रिपोर्ट सबमिट की गई होगी। और प्लैगरिज्म के क्या रहते हैं क्राइटेरिया, वो 10% का क्राइटेरिया कि या कम से कम 10% से नीचे आपका जो है वो मैक्सिमम 10% से नीचे आपका जो है वो रहना चाहिए प्लैगरिज्म, नहीं तो फिर उसके बाद रिवीजन होता है थीसिस का, ठीक है। इसके बाद क्या बात कही गई है कि वो रिपोर्ट लगेगी, सुपरवाइजर चेक करेगा, उसके बाद जो है थीसिस जो है वो सबमिट होगी। और इसके बाद क्या कही गई है बात, द एकेडमिक काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल इवॉल्व अ मैकेनिज्म ऑफ वेल डिवेलप्ड सॉफ्टवेयर। की एकेडमिक जो डिपार्टमेंट है उसके पास, जो यूनिवर्सिटी है उसके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए प्लैगरिज्म चेक करने के लिए, उसकी रिपोर्ट जो है वो चेक लगेगी वहाँ पे। और थीसिस कैसे सबमिट होगी, द पीएचडी थीसिस सबमिटेड बाय अ रिसर्च स्कॉलर शैल बी वैलिड बाय हिज और हर रिसर्च सुपरवाइजर एंड एट लीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर। पहले रिसर्च सुपरवाइजर चेक करेगा थीसिस को, वो जब अप्रूव कर देगा उसके बाद टू एक्सटर्नल एग्जामिनर को वो थीसिस जाएगी। वो टू एक्सटर्नल एग्जामिनर में एक जो है वो, हालांकि दोनों जो है एग्जामिनर वो आउट ऑफ स्टेट होने चाहिए, ठीक है। और कोशिश करना ये है कि अगर हो सके आउटसाइड आउटसाइड द कंट्री हो या फॉरनर एग्जामिनर हो, दैट इज बेटर। लेकिन अगर फॉरनर नहीं हो तो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय होने चाहिए और आउटसाइड द स्टेट होने चाहिए, ठीक है। और उनमें से दोनों की जो रिपोर्ट आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए। मान लीजिए एक की पॉजिटिव आती है दूसरे की नेगेटिव आती है, तो वो थीसिस किसी तीसरे एग्जामिनर को जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है तब तक जो है वो वाइबा वॉइस नहीं होता है। अगर दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उसके बाद जा करके वाइबा वॉइस कंडक्ट होगा और दोनों में से एक की कंसेंट चाहिए उस वाइबा को अटेंड करने के लिए, ठीक है। द वाइबा वॉइस एग्जामिनेशन बेस्ड अमंग अदर थिंग्स ऑन द क्रिटिक्यू given in the evaluation report shall be conducted by the research supervisor and at least one of the two external examiners and shall be open to attended by the member of research academic advisory committee all faculty member of the department and other scholars, ठीक है। कि वहाँ पे रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वाइबा जो है वो होना चाहिए, उस वाइबा में एक रिपोर्ट बनती है और वो वाइबा रिसर्च डिग्री कमेटी professors डिपार्टमेंट के और पीएचडी स्कॉलर जो है और इंटरेस्टेड एक्सपर्ट जो है वो करना चाहें उसमें पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मसला है कि आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की है जिसके लिए आप आईपीआर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, पेटेंट लेना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी का जो पेटेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ टाई अप करके वो प्रायर टू सबमिशन और पब्लिकेशन जो है वो ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है द वाइबा वॉइस 9.8 में लिखा है द वाइबा वॉइस ऑफ द रिसर्च स्कॉलर टू बी डिफेंड द thesis shall be conducted only if the evaluation report of the examiners of the thesis recommends exception। कि वाइबा वॉइस तभी होगा जब उसकी जो रिपोर्ट होगी वो पॉजिटिव आएगी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। इफ वन ऑफ द इवेल्युएशन रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनर इन केस ऑफ पीएचडी थीसिस रिकमेंड्स रिजेक्शन द इंस्टीट्यूशन शैल सेंड द थीसिस टू द अल्टरनेट एग्जामिनर आउट ऑफ द अप्रूव्ड पैनल ऑफ एग्जामिनर्स and the Viva Boys examination shall be held only if the report of the alternate examiner is satisfactory।
कि अगर मान लीजिए दो में से एक की नेगेटिव रिपोर्ट आई तो थीसी जो है वो आउट ऑफ द पैनल जाएगी, जो पैनल सेलेक्ट किया उसके बाहर किसी तीसरे आदमी को जाएगी। अगर उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है तीसरे एग्जामिनर की तो बाइबा वॉइस के लिए जो है वो इलिजिबल होगा कैंडिडेट। इफ द रिपोर्ट ऑफ अल्टरनेट एग्जामिनर इज आल्सो अनसैटिस्फैक्ट्री द थीसिस शैल बी रिजेक्टेड एंड द रिसर्च स्कॉलर शैल बी डिक्लेयर्ड इलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री। अगर तीसरे एग्जामिनर की रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है तो थीसिस रिजेक्ट कर दी जाएगी और अवार्ड नहीं होगी डिग्री उस कैंडिडेट को। ठीक है जी, दीज आर द थिंग। इस तरह से पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। और एक सबसे बड़ा बदलाव और क्या प्रपोज किया है और बहुत अच्छा है ये, द इंस्टीट्यूशन सेल डिवेलप एप्रोप्रिएट मेथड सो एज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ पीएचडी थीसिस विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द थीसिस। ये थीसिस सबमिट करने के 3 महीने के अंदर ही वैल्यूएशन प्रोसेस खत्म होना चाहिए, अदरवाइज कईयों को साल साल दो दो साल भी लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसर्चर को 9.10 में बताया गया है कि फॉरेन विजिट्स रिसर्च के पर्पज से जो है या अदर इंस्टीट्यूशन में विजिट जहाँ पे टाई अप है या इंडस्ट्री विजिट जो है वो करना चाहिए, जिसमें उनको 1 से 6 महीने तक की बात कही गई है कि मैक्सिमम 6 मंथ तक विजिट कर सकता है और मिनिमम 1 मंथ उसको करना चाहिए, जिसमें उसकी वर्कशॉप या यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन में विजिट वो सारे काउंट होंगे। ठीक है जी, इसके अलावा बात कही गई है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो या इंस्टीट्यूशन जो पीएचडी करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट हैं और जिसमें पीएचडी किए हुए एटलीस्ट 2 पर्सन हैं, ठीक है, वो पीएचडी करवा सकते हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बहुत सारी बात की गई है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की गई है लेबोरेटरीज़ की, बात की गई है लाइब्रेरी की, बात की गई है लेटेस्ट बुक्स और जर्नल्स की, ई एक्सेस की, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूशन में वो फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन नेबरिंग इंस्टीट्यूशन में वो फैसिलिटीज़ है तो आप उसकी फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बढ़ें आगे तो पीएचडी डिस्टेंस मोड या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या लॉ की जा सकती है कि नहीं, तो इसमें कहा गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दीज रेगुलेशन और एनी अदर रेगुलेशन रूल और रेगुलेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स नो यूनिवर्सिटी कॉलेज शैल कंडक्ट पीएचडी प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड ओब्लिक ऑनलाइन मोड। कि डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन मोड से कोई पीएचडी नहीं होगी। कैंडिडेट इन सर्विस शैल बी अलाउड टू पीएचडी to do PhD provided all the eligibility conditions mentioned in the extant PhD regulation are met। कि अगर मान लीजिए PhD regulation में जो चीज़ें बताई गई है उस criteria को meet करता है कोई candidate और वो अभी वो candidate जो है वो job कर रहा है या कोई उसके तो ही उसको जो है वो allowed किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद की गई है MPhil की बात कि MPhil की degree को अब खत्म कर दिया गया है। The MPhil degree shall be डिस्पेसिफाइड फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 के बाद कोई एमफिल डिग्री नहीं होगी, जिससे पहले जिसने एमफिल कर रखी है उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो कैंडिडेट को इशू किया जाएगा डिग्री अवार्ड होने से पहले। ठीक है, कि उसकी पीएचडी हो चुकी है और जिस दिन डिग्री अवार्ड होगी वो एक सेपरेट इशू है, कॉन्वोकेशन होती है जो भी रहता है, लेकिन एक प्रोविजनल डिग्री अवार्ड का सर्टिफिकेट उसको इशू किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा बात की गई है यहाँ पे अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री प्रायर टू नोटिफिकेशन ऑफ दीज रेगुलेशन और डिग्री अवार्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, कि मान लीजिए कि इससे पहले 2022 का जो रेगुलेशन आएगा उससे पहले जो भी डिग्री अवार्ड हुई है या जो फॉरेन से डिग्री अवार्ड हुई है किसी कैंडिडेट को, इंडिया में उसको कंसिडर कैसे किया जाएगा, या जो इंडिया में डिग्री अवार्ड हुई है वो डिग्रीज जो है अगर तो 11 जुलाई 2009 या उसके बाद डिग्री अवार्ड हुई है, दैट विल बी कंसीडर अंडर रेगुलेशन 2009 एंड अंडर रेगुलेशन 2016, जो पीएचडी का रेगुलेशन है उसके अंडर कंसीडर किया जाएगा। साथ ही बात की गई है क्लाउज 15 में डिपॉजिटरी विद इंफिबिलनेट इंस्टीट्यूशनल इलेक्ट्रॉनिक आर्चीव, कि जो भी थीसिस सबमिट होगी उसका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पीडीएफ के रूप में या डॉक्यूमेंट बना करके सबमिट करना पड़ेगा जो शोध गंगोत्री इंफिबिलनेट है उसके ऊपर। और लास्ट में बात की गई है कोड ऑफ कंडक्ट की, कि कैंडिडेट को सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो भी इस रेगुलेशन में बताए गए हैं वो फॉलो करने हैं और एक बढ़िया रिसर्च करनी है। ठीक है, जेन्यून काम करना है और कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी रिसर्च मिसकंडक्ट नहीं करना है जिससे कि उसकी रिसर्च क्वालिटी के ऊपर, उसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर, उसके गाइड की परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके गाइड की क्वालिटी के ऊपर जो है वो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन मार्क लगे और इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई भी स्टिग्मा लगे। तो दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट और ये बहुत
बहुत ही सारे के सारे बदलाव जितने भी मुझे लगे, चाहे वो किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर हो, चाहे एडमिशन के क्राइटेरिया पे हो, चाहे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पे हो, चाहे जो भी पीएचडी प्रोफेसर या गाइड अलॉटमेंट के ऊपर हो, या कोर्स वर्क के ऊपर बदलाव की बात की गई हो, या पासिंग मार्क्स की बात की गई है, या जो भी रेगुलेशन, जो भी पूरा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, मेरे हिसाब से इट इज़ अ फैंटास्टिक वन, और इसमें जो भी जो चेंजेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं दे आर एमिनेंट चेंजेस, और ये होने चाहिए। और आपकी क्या राय है, आप गूगल फॉर्म जो भी लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, उसके माध्यम से आप जो है वो भर करके भेज सकते हैं, और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्राफ्ट कैसा लगा। तो आई होप दिस वीडियो इज इंटरेस्टिंग एंड यू नो वैल्यूएबल फॉर यू गाइज। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपकी राय, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी पीएचडी करना चाहते हैं या कर रहे हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि सभी के ऊपर लागू होगी चीज। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।